कोरोना के महामारी में जहाँ पर प्रांतीय लोग अपने अपने वतन जाने के लिए पूरे पूरे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में उनके बहुत सारे जो लोग हैं कि उनको लूटने के तरह भी देख रहे हैं, जिसको जहाँ मन चाहे वहाँ उसका फ़ायदा ले रहा है। लेकिन कुछ संस्था जो है इसके लिए आगे आ रही हैं। वैसे अहमदाबाद में एक उत्तर भारतीय विकास मंच के वीरेंद्र सिंह और अमराईवाड़ी विधानसभा अहमदाबाद के जो MLA हैं श्री जगदीश पटेल जी, इसके लिए आगे आए हैं। अमराईवाड़ी विधानसभा के जो MLA हैं जगदीश पटेल जी, वो हमारे साथ में हैं। और जगदीश पटेल के बारे में बोला जाता है, इनका जो एरिया जो है और पूरे पूरे हिंदी भाषियों से भरा हुआ है, और जो इनको जो MLA बनाने में हिंदी भाषियों का काफ़ी सहयोग है। इसके लिए हिंदी भाषियों के लिए कभी भी रात को कभी भी फोन करूँ ये उठाते हैं, और उनके कभी भी कोई भी समस्या उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज जो देख रहे हैं जो लाइन जो लगा हुआ है वो सुल्तानपुर के लिए है। आइए चलिए पूछते हैं जो यहाँ के जो जगदीश पटेल जी जो है MLA, उनसे उनको कि ये जो कितने बार का इनका जो सहयोग किया गया। सर अभी जो आप जो वैसे भी आप बहुत ही लोगों का अति प्रिय जो MLA हैं आप, और हिंदी भाषियों के बहुत ही चाहते हुए हैं, कभी भी फोन किया जाता है आप रात को भी उनके प्रॉब्लम के लिए उठ जाते हैं। तो सर ये जो अभी ट्रेन जो अभी तक का जो भेज रहे हैं, कितने नंबर से ट्रेन भेज रहे हैं आप, कितने बार ये अभी जो ट्रेन जा रही है 8वीं ट्रेन जा रही है, और आपने बोला मुझे बहुत पसंद आया, प्रभु राम कृष्ण भगवान और स्वामीनारायण भगवान की जो जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है वहाँ के ये सब लोग हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर भारतीयों का कुछ काम में आ रहा हूँ। जब मैं विधायक बना तो भी उत्तर भारतीयों का मुझे बहुत सहयोग मिला था, तो मेरी आज फर्ज बनती है कि उनके मैं काम में आऊँ, तो मेरा सौभाग्य है। और आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे अभी इधर व्यापार धंधा वगैरह जो बंद है, तो ये मई महीना जो है ऐसे भी उत्तर भारतीयों के लिए गांव जाने का समय होता है, तो ये एक डेढ़ महीना दो महीना से जो बंद था, तो अभी ये लोग सब अपने वतन में अपने परिवार से मिलने के लिए आतुर है, और ये उनको जाना भी चाहिए क्योंकि ये महीना में हमेशा वो लोग जाते भी हैं और अभी इधर बंद भी है, इसलिए दोनों काम उनका हो जाता है। और मैं समझता हूँ आज सुल्तानपुर के लोग बहुत ही अच्छे सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए सब लोग क्यू में लगे हुए हैं। आप देख रहे हो सबको टोकन मिला हुआ है, टोकन लेके ये सब लोग 1600 लोग आज ये सुल्तानपुर की गाड़ी में आज उत्तर प्रदेश से आज का जो ट्रेन जो भेजा जा रहा है जैसे उत्तर भारतीय लोगों के लिए जो सुल्तानपुर के लिए, ये जो ट्रेन के लिए जो बहुत सारे जो लोगों का व्यवस्था जो किया गया है कि जो संस्था हमारे यहाँ पे जो उत्तर भारतीय विकास मंच के अध्यक्ष जो जो है वीरेंद्र सिंह जी, आइए पूछते हैं उसके साथ ये जो आप जो व्यवस्था कर रहे हैं किस ढंग से कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह ठाकुर उत्तर भारतीय विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मनपा जो जुटा हुआ है, हमारे अमराईवाड़ी के लोकप्रिय विधायक श्री जगदीश भाई पटेल, उनकी कृपा से उनकी सहानुभूति से ये उत्तर भारतीयों की श्रमिक ट्रेन जो है आज सुल्तानपुर जा रही है, और 24 घंटे दिन रात मेहनत करने वाले हमारे विधायक जी श्रमिकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, क्योंकि खुद एक उद्योगपति हैं, उनके पास भी हजारों श्रमिक काम करते हैं, तो उनको श्रमिकों की वेदना मालूम है, और इस विधानसभा में काफ़ी श्रमिक लोग रहते हैं पर प्रांति, तो जिसकी वेदना से वो बड़ी भली बात मांगते हैं, और हम लोगों का तालमेल उनके साथ बरसों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उत्तर भारतीयों के प्रति उनकी संवेदना को ध्यान में रखते हुए हमने उनसे सुल्तानपुर की एक ट्रेन मांगी थी, और उनके अथक प्रयास से आप देखिए कि 13 तारीख को हमने इस ट्रेन का लिस्ट दिया और 16 तारीख को अप्रूवल आ गया, आज 17 तारीख को यात्री जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ पूरे गुजरात में ये पहली ट्रेन होगी जो 3 दिन में जा रही है, तो उनके अथक प्रयास और परिश्रम से इस ट्रेन की यात्रा संभव हो रही है। तो अमराईवाड़ी विधानसभा से करीब 12 से 13 ट्रेनें जा चुकी हैं और अभी आने वाले भविष्य में 5 से 6 ट्रेनें और आएंगी, तो हमारे श्रमिकों को तकलीफ न पड़े उस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री ने रेलवे मंत्रालय को सौंप रखा है कि जितनी भी ट्रेनें श्रमिकों के लिए चलाई जाए उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने भी NOC देकर इस बात से आश्वस्त किया है, सभी विधायकों को छूट दिया है कि आपके विधानसभा में जितने भी श्रमिक हों उनको सकुशल ढंग से उनके वतन में पहुंचाया जाए, और उसी के मद्देनजर
मुख्यमंत्री के आह्वान पर हमारे विधायक जी सभी श्रमिकों को यहाँ से भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। उत्तर भारतीय विकास पंथ उनका हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता है। उत्तर भारतीय विकास पंथ आज के इस समय पर सारे मंच के कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दिलों दिमाग से खूब उनका अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।